गुड मॉर्निंग, यह हमारी बीएससी पार्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम पढ़ रहे हैं एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव में अब तक पढ़ा हमने एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। चार प्रकार के एसिड डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स। इनके नॉमनक्लेचर पढ़ा हमने डिटेल में। उसके बाद हमने पढ़ा एसिड क्लोराइड्स, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, रिएक्शंस, और आज हम शुरू करते हैं एसिड अमाइड्स। नॉमनक्लेचर मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एसिड डेरिवेटिव्स के नॉमनक्लेचर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसलिए काफ़ी एग्जांपल्स मैं आज और दूंगा। एक बार रूल भी दोबारा बता दूंगा आपको। देखो, एसिड अमाइड्स में क्या होता है, OH ग्रुप जो है किससे रिप्लेस हो जाता है, NH2 से, और जो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है, CONH2। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCONH2। जहाँ R जो है क्या हो सकता है, RH हो सकता है, H के अलावा कोई और एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। R कैन बी H और एनी अदर एल्काइल और एराइल ग्रुप, राइट। जहाँ तक सवाल है, देखो NH, इसके जो H है ये भी किससे रिप्लेस हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप से, और उसके अकॉर्डिंग अमाइड्स जो हैं तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। यानी NH2 ग्रुप है तो क्या होगा, प्राइमरी अमाइड्स। इसका एक एच अगर एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी अमाइड, और अगर दोनों एच एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, टर्शरी अमाइड। तो अपन लिख सकते हैं बात कि अमाइड्स कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कैसे होंगे ये बता चुका आपको, देखो RCONH2 ये कौन सा अमाइड हो जाएगा, प्राइमरी अमाइड, RCONH। एक एच हटा के हमने कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया, कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप। ये R और R डैश अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट इस प्रकार के जो अमाइड होंगे वो क्या कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड सेकेंडरी अमाइड। और अगर हम दोनों रिप्लेस कर दें तभी क्या बन जाएंगे, टर्शरी अमाइड। नॉमनक्लेचर के रूल में पहले बता चुका हूं आपको कि सफिक्स एक एसिड जो होता है कॉमन नेम से और IUPAC से ओइक एसिड जो है, दे आर रिप्लेस्ड बाय अमाइड। रूल आपको आना चाहिए एक बार, यानी एसिड डेरिवेटिव्स के नाम लिख रहे हैं तभी आएंगे जब हमें एसिड का नाम आता है। एसिड का नाम कॉमन सिस्टम में जो आएगा लास्ट में हमेशा सफिक्स क्या होगा, एक एसिड। IUPAC में सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, अमाइड से। ये अपना रूल है जो कि मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ और एग्जाम्पल भी ले चुका हूँ। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ नॉमनक्लेचर के, आप अपने आप लिखिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा उनके नाम। HCONH2, CH3OCONH2, C6H5CO। ये मैंने पहले पहले लेक्चर में इन सबके नॉमनक्लेचर आपको एक्सप्लेन किया था, आप लिख के देखें इनके नाम, क्या आप इनके नाम लिख सकते हैं कॉमन सिस्टम में। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, एक एसिड का अमाइड, तो इसको क्या बोला जाएगा, फॉर्मामाइड। IUPAC नाम ब्रैकेट में लिख रहा हूं, IUPAC क्या बोलेंगे इसको, मीथेना माइड। एक कार्बन का अमाइड एल्केनामाइड, मीथेनामाइड, मीथेनोइक एसिड, ओइक एसिड रिप्लेस कर दिया अमाइड से, बन गया मीथेनामाइड। इसका नाम क्या होगा, एसिटामाइड, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। ये एरोमेटिक। बेंजोइक एसिड का अमाइड, इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। अब कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, साइक्लिक, एरोमेटिक, सबके नाम लिखने आपको आने चाहिए। नाम मैंने रूल समझा चुका हूँ, मेरे आंसर देखने से पहले आप खुद लिख के देखिए, वीडियो पॉज करके, तो आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस होगा इसका। अब देखिए यहाँ पर, इसमें मिथाइल ग्रुप कहाँ लगाया, एन पे लगा दिया सब्सटेंट, तो क्या हो जाएगा, एन मिथाइल।
और उसके बाद एन मिथाइल लिखने के बाद आपको नाम आता है किसका डेरिवेटिव है, एसिटामाइड या एन मिथाइल इथेनामाइड। तो इसका नाम हो जाएगा एन एन मिथाइल एसिटामाइड, या आईयूपीएसी क्या बोलेंगे इसको, एन मिथाइल इथेनामाइड। या एन क्या है, जैसे 1 2 3 हम पोजीशन लिखते हैं कि मिथाइल ग्रुप एन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए एन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, पोजीशन ऑफ दिस। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखता हूँ, सॉल्वेंट ग्रुप में हम उसको काफ़ी यूज़ करते हैं, नाम आपको आना ही चाहिए। देखो उसका एच सी ओ एन सी एच थ्री, ये सी एच थ्री। अब देखो ये फॉर्मामाइड होता है, फॉर्मामाइड के दो एच हटा कर हमने क्या लगा दिया, दो मिथाइल ग्रुप, इसका नाम क्या बन जाएगा, एन एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम शॉर्ट में काफ़ी यूज़ करते हैं, डी एम एफ। जगह जगह आपको लिखा मिलेगा सॉल्वेंट के रूप में डी एम एफ। आई यू पी सी नाम में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मामाइड का आई यू पी सी नाम आपको आता है मिथेनामाइड, तो एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं आपको, ये साइक्लिक में दिक्कत होती है। देखो जैसे मान लो मैंने आपको एक साइक्लिक एग्जांपल दिया, और साइक्लिक एग्जांपल में हमारे पास ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, सी ओ एन। तो इसको हम साइक्लोहेक्सेनामाइड नहीं होगा इसका नाम साइक्लोहेक्सेनामाइड नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया था आपको। जब साइक्लिक सिस्टम आ जाए तो इसमें हम इसको सफिक्स के रूप में लिखते हैं, एज ए सफिक्स इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सामाइड। और कार्बोक्सामाइड किस में लगा, साइक्लोहेक्सेन में लगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। आई होप आपको अच्छी तरह आ रहा है नाम। चलो और एग्जांपल देता हूं इसी प्रकार के, और आप ट्राई करिए उसका नाम लिखना। जैसे यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सी ओ एन एच सी एस थ्री। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं सब्सटेंट ग्रुप में, ये पोजीशन नंबर 1 हो गया, ये पोजीशन नंबर 2 हो गया। एक तो मिथाइल ग्रुप कहाँ लगा है, नाइट्रोजन पे लगा है, और दूसरा कहाँ लगा है, पोजीशन नंबर 2 पे लगा है। दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और ये कौन सा होगा, साइक्लोपेंटेन का कार्बोक्सामाइड है। तो दो मिथाइल ग्रुप लिखने हैं हमें, तो दो मिथाइल ग्रुप कैसे लिखे जाएंगे इसके लिए, एन डैश टू डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। डन। और एग्जांपल बताते हैं आपको, देखो इसके सी ओ एन एच सी सिक्स एच फाइव। अब देखो ग्रुप कौन सा लगा सी सिक्स एच फाइव पे, एन ग्रुप लगा सी सिक्स एच फाइव पे। एन पे क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप, इसका नाम क्या बन जाएगा, एन पे तो आ जाएगा फिनाइल, तो एन फिनाइल, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। और एग्जांपल देते हैं, देखिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपका नोमेनक्लेचर पार्ट हमेशा ही बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सी ओ एन एच टू सी ओ एन एच टू। अब देखो, अब ऐसे में गलती होने के क्या चांसेस होते हैं आपके, कि ऐसा नहीं, अमाइड तो है लेकिन प्रिंसिपल ग्रुप इसके अंदर क्या हो गया, एसिड ग्रुप हो गया, मेन ग्रुप एसिड। तो इसे एज ए हमें प्रीफिक्स लिखना होगा, और एज ए प्रीफिक्स इसको क्या बोलते हैं, एज ए प्रीफिक्स इसको क्या बोलते हैं, कार्बामोइल। एज ए प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, कार्बामोइल। तो प्रिंसिपल ग्रुप ये हो गया, तो इसका नाम देखो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, इसमें गलती कर सकते हैं हम, कि ये अमाइड ग्रुप अमाइड है, अमाइड है लेकिन अमाइड यहाँ पे क्या होगा, सब्सटेंट सेकेंडरी ग्रुप है, प्रिंसिपल ग्रुप ये 1। तो पोजिशन नंबर 2, पोजिशन नंबर 2 पे क्या लगा है, 2 पे लगा है कार्बामोइल, कार्बामोइल, 2 कार्बामोइल। और किस में लगा, बेंजोइक एसिड में, नाम हो जाएगा 2 कार्बामोइल
बेंजोइक एसिड, टू कार्बामोइल बेंजोइक एसिड। आई होप ये सारे नाम आपको लिखने आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। अब मैं पेज चेंज करता हूँ। और कुछ एक दो एग्जांपल और बता के फिर हम देखेंगे हाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड। एक दो एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, अपने आप नाम लिखिए इनके। NH, CO, C6H5 और एक एग्जांपल इधर लिख के दे रहा हूँ। जब तक मैं नाम बताऊँ आप अपने आप ट्राई करें पहले। NHCOCH3, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एरोमेटिक अमाइड्स हैं। अब देखो इनका नाम अमाइड ग्रुप है, बेंजामाइड है, बेंजामाइड पे एन पे क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन फिनाइल बेंजामाइड। एन फिनाइल बेंजामाइड को हम कॉमन सिस्टम में नाम जो चलता है क्या चलता है इसका, बेंज एनिलाइट, बेंज एनिलाइट। ये देखिए ये एसिटामाइड का अमाइड है, तो एन फिनाइल एसिटामाइड। IUPAC में एन फिनाइल इथेनामाइड कह सकते हैं अपन इसको, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, एसिट एनिलाइड। तो ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम आप पहुंचे बेंज एनिलाइड एसिड एनिलाइड्स। तो ये था नॉमनक्लेचर के बारे में, इसके नॉमनक्लेचर, जबकि मैं एसिड डेरिवेटिव्स की लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने और ली हैं। चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वेरियस मैथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमाइड्स, प्रेपरेशन ऑफ अमाइड्स। अब देखो प्रेपरेशन में एक चीज सुनो ध्यान से आप, कि जब मैंने एसिड क्लोराइड बताया तब बताया था आपको कि जो भी एसिड डेरिवेटिव, चाहे वो क्लोराइड्स हैं, चाहे अमाइड्स हैं, चाहे एनहाइड्राइड्स हैं, चाहे एस्टर्स हैं, क्योंकि एसिड के डेरिवेटिव्स हैं तो एसिड से तो हम बना ही सकते हैं। तो नंबर 1 मेथड, सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा किसी भी अमाइड का बनाने का आ जाए तो आप देखो इंटर कन्वर्जन आ जाए तो आप देखो एसिड बना लो पहले, और एसिड को उस अमाइड में हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 मेथड कैसे लिखा, फ्रॉम एसिड, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अमोनिया से या प्राइमरी अमीन सिलेक्शन करके क्या बना लेंगे, हमेशा अमाइड बना लेंगे। जैसे देखो RCOH, इसका रिएक्शन हमने कराया अमोनिया को, मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया है बार बार करके, तो क्या हो जाएगा इसका, माइनस वाटर एंड प्रोडक्ट विल बी RCONH2। तो कोई भी अमाइड ले लीजिए, एग्जांपल हो मान लो लिया हमने एसिटिक एसिड लिया और एसिटिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराई, तो आपको पता चल जाना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, एसिटामाइड। आंसर क्या हो जाएगा इसका, एसिटामाइड। अब जैसे अमोनिया लिया, अमोनिया की जगह हम प्राइमरी अमीन ले लेंगे, सेकेंडरी अमीन ले लेंगे, तो उससे क्या बन जाएंगे इनके, सेकेंडरी या प्राइमरी अमाइड बन जाएंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, सी एसिड और इसका रिएक्शन हमने कराया मिथाइल अमीन से, इसका रिएक्शन किससे कराया, मिथाइल अमीन से। तो मिथाइल अमीन से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, वही CO पे क्या जुड़ जाएगा, NHCH3। तो आंसर विल बी CH3CO, ये NH और N पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो अभी क्या बन गया, इट इज ए सेकेंडरी अमाइड। नाम आपको आता ही है, अभी लिखे हमने नाम N मिथाइल एसिटामाइड, मतलब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आ गई एसिड से। सेकेंडरी अमीन लिख सकते हैं रिएक्शन, मान लो सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन लिख रहे हैं हम, CH3C OH+ सेकेंडरी अमीन मिलको डाई मिथाइल अमीन।
डाई मिथाइल एमीन, इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो अगेन माइनस वाटर, और आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन, एन पे क्या लगे हुए दो सी एच थ्री, एन पे दो सी एच थ्री, ये कौन सा हो गया जी हमारा टर्शरी अमाइड। तो प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, सभी अमाइड्स जो हम किससे बना सकते हैं, स्टार्टिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो एक एग्जांपल लिया है, कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लीजिए आप, इवन एसिड डेरिवेटिव ले लेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे मान लो एसिड क्लोराइड लिया, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन भी इससे कराएंगे तब भी क्या बन जाएंगे हमारे पास, अमाइड्स ही बन जाएंगे अमोनिया से, और उससे रिएक्शन कराने पर। नंबर टू मेथड देखिए, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का, फ्रॉम एल्काइल साइनाइड्स, एल्काइल साइनाइड से बात करते हैं। ओके, एल्काइल साइनाइड्स आपको पता है, साइनाइड का यूज हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी मैंने आपको समझाया होगा तो साइनाइड का यूज क्या, जब भी हम सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम साइनाइड का यूज करते हैं। हैलाइड्स की रिएक्शन साइनाइड से करा देंगे तो क्या बन जाएंगे, साइनाइड, और फिर साइनाइड, साइनाइड का हम रिडक्शन कर सकते हैं, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, नॉर्मल जो हमारे काम आता है साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करके हम क्या बनाते हैं, एसिड। हमें बनाने हैं यहाँ पर अमाइड्स, तो अमाइड्स बनाने में क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स फॉर्म्स अमाइड, ये लिखा हमने अल्काइल साइनाइड। साइनाइड कैसे बनाते हैं ये अपने को पता है, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है, अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आंसर इसका क्या होगा, अमाइड। वही है, अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जनरल रूल आपको ध्यान रखना है, किसी भी एसिड डेरिवेटिव का, एसिड क्लोराइड्स, अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसी भी एसिड को हम एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं तो साइनाइड। अब जैसे एग्जांपल लिखा हमने मिथाइल साइनाइड, और मिथाइल साइनाइड का किया हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू एसिटामाइड, इथेनामाइड और एसिटामाइड क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस प्रकार की रिएक्शन कैसे पूछ सकते हैं, देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एल, इसका रिएक्शन कराया के सी एन से, के सी एन से रिएक्शन करा के एच प्लस वाटर, और ये पूछा आपसे आंसर, तो अपने पता चल रहा है देखो इथाइल क्लोराइड, के सी एन से रिएक्शन करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा आंसर, इथाइल साइनाइड, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एन एच टू, क्या बन गया आंसर, प्रोपेनामाइड। आंसर क्या बन गया इसका, प्रोपेनामाइड। ध्यान से नोट करो, देखो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसके अंदर कितने कार्बन थे, दो कार्बन, इसके अंदर कितने कार्बन है, तीन कार्बन। ये पॉइंट तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइनाइड का यूज हम चेन लेंथनिंग में करते हैं, चेन लेंथनिंग जब भी करनी होगी हमें किसी भी सीरीज में, चाहे वो एल्केन में करनी हो, चाहे वो हमारे पास अल्कोहल में करनी हो, उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, साइनाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। और इसका उल्टा अगर हमें चेन शॉर्टनिंग करनी हो तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन का यूज़ करते हैं। कौन सी रिएक्शन का यूज़ करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। चलो ये तो हो गया अबाउट प्रेपरेशन। प्रेपरेशन के बाद हमेशा जो रिएक्शन से पहले हम दो प्रॉपर्टीज़ की जनरली बात करते हैं, और दो प्रॉपर्टीज़ वो कौन सी होती हैं, दो प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्वेश्चन जनरल आना चाहिए, सॉल्युबिलिटी के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, क्यों, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। जब भी आप लिखो ये बात
कि आप लिखेंगे कि ये जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी आप ये बात लिखें तो आप बना के दिखाएंगे इसको, ये अमाइड ग्रुप में बना के दिखा रहा हूँ, देखो आपको ये एक अमाइड लिया और इसकी हमने सॉल्युबिलिटी दिखानी है वाटर के साथ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली हमने दूसरा अमाइड लिया, अब इस ये अमाइड लिया एक, तो ये और ये ऑक्सीजन क्या बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये और ये क्या बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा बन गया हमारे पास एच बॉन्ड। तो वाटर से बहुत इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमेशा हम फिजिकल प्रॉपर्टी में जानना चाहते हैं वो कौन सा होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब अमाइड्स जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट रहते हैं, इनके अंदर क्या पॉसिबल होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसलिए अमाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है ज़्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है ज़्यादा। इसको भी आपको दिखाना चाहिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखो ये हो गया अमाइड मॉलिक्यूल, सिमिलरली दूसरा अमाइड मॉलिक्यूल, तो इनमें क्या पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट रहते हैं, संगोनित रहते हैं, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटामाइड इज मोर देन एसिटिक एसिड, बेंजामाइड इज मोर देन बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड इज मोर देन बेंजोइक एसिड। अब यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड क्लोराइड में मैंने बताया था आपको बॉइलिंग पॉइंट की बात, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या था कम, या नोट कर सकते हैं आप अच्छी तरह, दी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है द ओनली एसिड डेरिवेटिव, द ओनली एसिड डेरिवेटिव विच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड हुज बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज इक्वल टू अमाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, कि चार टाइप के एसिड डेरिवेटिव्स मैंने आपको मेन बताए हैं, उन सब में से जो केवल द ओनली इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है द ओनली एसिड डेरिवेटिव, केवल एक एसिड डेरिवेटिव ऐसा होता है जो जल में घुलनशील होता है सॉल्युबल इन वाटर और जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है ज़्यादा होता है, बाकी सब का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होते हैं कम होते हैं। ओके तो यहाँ से अब अभी भी काम काफ़ी बचा है हमारे पास अमाइड्स में, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं वेरियस रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स की खूब सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो हम पढ़ेंगे। कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।